वालेकुम क्लास। अच्छा, अब वालेकुम मैंने सर। ये करी है। अच्छा, ये हमारे पास है। अब हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। तो ये वही सेम हमारे पास लिंक लिस्ट क्लास, लिंक लिस्ट बनाई हमने नोड, उसके अंदर हमने इनर नोड बनाई, सॉरी इनर क्लास बनाई नोड के नाम से, उसमें एक इन डाटा बनाया, नेक्स्ट बनाया, और सेम वही चीज है हमारे पास। इसके आगे डिटेल है उसमें देख लेते हैं। अच्छा, ये हम देख चुके हैं कि एक लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा कैसे ऐड होता है। ये बता रहा है आपको कि ये एक मेथड है जो जो कि हम अगर हमें कोई न्यू नोड ऐड करनी है तो सबसे पहले कि एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट आफ्टर गिवन नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, यानी कि किसी हम तीन जगहों पे कर सकते हैं, तीन, या तो फ्रंट पे कर सकते हैं, या हम लास्ट पे कर सकते हैं, या फिर हम जो भी हमने गिवन नोड है उस पर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमें बता रहा है, एक मिनट पहले मैं देख लूँ उसका कोड फौरन ही। ये कह रहा है कि ऐड अ नोड एट द फ्रंट। अगर हमें कोई नोड फ्रंट पे ऐड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है कि द न्यू नोड इज ऑलवेज एडेड बिफोर द हेड ऑफ द गिवन लिंक लिस्ट। ठीक है, यानी कि जो न्यू नोड हम ऐड करेंगे उससे पहले है उसको हमेशा उसके हेड से हमें पहले उसको ऐड करना है। एंड न्यूली एडेड नोड बिकम द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। और जो जो भी न्यू आपके पास आएगी नोड, उसका जो हेड होगा वो उसको पॉइंट करेगा। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि अटेंडेंस जिन्होंने नहीं लगाई, वो गूगल क्लासरूम में जाके काइंडली अटेंडेंस लगा लें अपनी, और उसको स्टंड इन भी कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द गिवन लिंक लिस्ट, एक हमारे पास लिंक लिस्ट है गिवन जिसमें क्या है 10 15 20 एंड 25। ठीक है, तो 10 बेसिकली हेड है और उसके बाद फर्दर जो है वो आप उसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, 10 पॉइंट कर रहा है 15 को, 15 पॉइंट कर रहा है 20 को, 20 पॉइंट कर रहा है 25 को। ठीक है, अब ये कह रहा है एंड वी ऐड एन आइटम 5 एट द फ्रंट, देन द लिंक लिस्ट बिकम्स 5 10 15 20 एंड 25। लेट अस कॉल द फंक्शन दैट एड्स एट द फ्रंट ऑफ द लिस्ट इज पुश, द पुश मस्ट रिसीव अ pointed to the head pointer because push must change the head pointer to point to the new node. तो ये क्या करेगा, push का method हमें call करेंगे जो क्या करेगा, head pointer को change कर देगा। Let's see, हम code के through देखते हैं। अब ये कह रहा है कि following are the four steps to add node at the front. ठीक है, ये code है इसका। This function is in linked list class. Insert a new node at front of the list. This method is defined inside linked list class shown above. जो ऊपर वाली क्लास ये बता चुके हैं कि हम उसमें ये वाली जो क्लास हम बना चुके हैं, ये कह रहा है वो, ये जो हम बना चुके हैं इसके अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, पब्लिक void push के नाम से एक मेथड बनाया और उसको हमने एक पैरामीटर पास किया इन टाइप का। ठीक है, और इन टाइप का पैरामीटर के नाम क्या है, न्यू नोड, कुछ भी हो सकता है। अभी कह रहे कि 1 and 2 एलोकेट द नोड एंड पुट इन द डाटा। तो हमने क्या किया, नोड पहला और दूसरा स्टेप बता रहा है, एलोकेट द नोड, सबसे पहले नोड एलोकेट करो एंड पुट इन द डाटा। तो अब हमने क्या किया, नोड के नाम से एक हमने न्यू नोड बनाई। ठीक है, नोड क्लास टाइप की हमने एक रेफरेंस वेरिएबल न्यू नोड,
और हमने उसका एक उसको एक नया रेफरेंस दिया उसको, इसके थ्रू कंस्ट्रक्टर को न्यू नोड का डाटा हमने पास कर दिया, सॉरी न्यू डाटा हमने पास कर दिया, ठीक है, जो भी न्यू डाटा होगा यहाँ पे हम उसको पास कर रहे हैं, यहाँ से जो हमने रिसीव किया वो हम यहाँ से उसको पास कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जो भी रिसीव हुआ। फिर हमने क्या किया, इस न्यू नोड को नेक्स्ट के ऊपर पास कर दिया, नेक्स्ट के ऊपर हमने उसको एड्रेस दे दिया हेड का, तो जो हेड के ऊपर एड्रेस पड़ा हुआ था वो इसके इसके इस न्यू नोड के नेक्स्ट पे आ जाएगा, और हेड को क्या करेंगे न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तो चलते हैं हम ऊपर, क्लियर है मेरे ख्याल में। अच्छा यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा था, देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है वो ऐड किया पब्लिक, एक हमने इसके अंदर हमने एक नोड ऐड करनी है, तो पब्लिक वॉइड पुश इंट न्यू डाटा, ये न्यू डाटा के ऊपर हमने जो भी न्यू डाटा हमने देना था, हमने कोई भी न्यू डाटा दिया कि भाई ये वाला एक डाटा है और इसको जो है ना जो हमारी फ्रंट नोड है जो पहली नोड है उससे पहले इसको ऐड कर दो, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने कुछ भी डाटा दिया होगा वट एवर, हमें हम कह रहे हैं हमने जैसे 23 दिया है भाई 23 ऐड कर दो, ठीक है, नहीं सॉरी उसने ऊपर 5 कहा था ना, तो हम 5 ही ऐड करते हैं, 5 ऐड कर दो, ठीक है। अब ये 5 जो है वो न्यू डाटा था, तो मैंने नोड क्लास टाइप का एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया न्यू नोड ये वाला, ठीक है, इसको ई रेफरेंस बताइए। फिर हमने उस इस न्यू नोड को एक न्यू नोड के जो है ना एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको ये न्यू डाटा पास किया यहाँ पे, ये क्या था 5, ठीक है, मेक नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड, यहाँ पे कह रहे हैं एलोकेट द नोड एंड पुट इन द डाटा, एक हमने नोड एलोकेट करी न्यू नोड के नाम से और उसको हमने क्या किया डाटा जो है वो हमने इसको पुट कर दिया न्यू नोड के अंदर, इसके अंदर अब ये एक नोड बन के आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, इस न्यू नोड को नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहे हैं और नेक्स्ट में हेड का एड्रेस दे रहे हैं, हेड क्या है इस वक्त, ये जो हेड का एड्रेस था ये हमने अब इसको पॉइंट कर दिया, ठीक है, तो इसका जो है जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा था इस वक्त, हेड इस पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है, तो अब हमने इसको क्या किया, ये इधर से हमने इस नोड को इस पे पॉइंट करना शुरू कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यू नोड जो हमने बनाई थी उसका जो रेफरेंस है, ठीक है, जो नेक्स्ट का रेफरेंस है वो हमने पॉइंट कर, उसके अंदर क्या करा हमने हेड को ऐड कर दिया, और हेड जो है इस वक्त कहाँ पॉइंट कर रहा था, ए पे, हमने वहां से खत्म कर दिया है, सॉरी इसको नहीं, जहां पे हेड पॉइंट कर रहा था वहां पे हमने अब इस न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था और हेड को हमने क्या किया न्यू नोड का एड्रेस दे दिया, तो जो न्यू नोड का एड्रेस था अब हेड यहाँ पॉइंट नहीं कर रहा, अब हेड यहाँ पे न्यू नोड के ऊपर पॉइंट कर रहा है, क्या हुआ ये आपके आपके पास एक न्यू नोड ऐड हो गई इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपका डाटा भी ऐड हो गया 5। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश, ये जो हमारे पास पुश है ये वाला जो पुश मेथड है इसकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो मेथड है ना, ये एक मैंने एक मेथड लिख दिया, अब आपको जब कभी भी देखें, मुझे एक चीज है मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में भी ऐसा सवाल आ जाए, कॉन्सेप्चुअल सवाल। देखें हमने जब एरे पढ़ा था तो एरे के अंदर जब हमें कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना पड़ता था तो हम पूरे का पूरा एरे जो है वो राइट शिफ्ट कर रहे थे या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, पूरे के पूरे जितना भी एरे के अंदर आपके एलिमेंट्स पड़े हुए थे उन सबको आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ता था जिससे आपकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा यूटिलाइज होती थी। आप देखें कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक लिंक लिस्ट बनाई और उस लिंक लिस्ट के अंदर एक नई नोड ऐड करी है, तो क्या बाकी कोई नोड हिली, सारी की सारी नोड्स अपनी जगह पे पड़ी हुई है, किसी को कोई मसला नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो हमारी जो एक नोड थी सिर्फ उसका जो एड्रेस वो उठा के हमने क्या किया है, हमने न्यू नोड को दे दिया जस्ट और हेड को पॉइंट कर दिया उस न्यू नोड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे हेड हमारे पास सिर्फ
एक सिंपल एक नोड ऐड करिए और उसको बाकी सारे जितने भी नोड्स हैं उन सबको छेड़े बगैर या उनको चेंजेस किए बगैर या शिफ्ट किए बगैर या उनमें कोई तब्दीली किए बगैर हमने क्या किया, अपनी एक अपनी नोड ऐड कर ली। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है एरे का और लिंक लिस्ट का, जो लिंक लिस्ट का फायदा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस पुश मेथड की, इज बिग ओ वन। ठीक है, एड एज इट डस कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, इसने इतना ही काम करना है। तो इसका क्या होगा, हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ हमारे पास बन सकता है जो कि बिग ओ वन का ग्राफ बनता है, कॉन्स्टेंट ग्राफ जिसके भी बनता है। अब ये कह रहा है कि एड अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड, दूसरी वाली जो एग्जांपल थी, तीन वेज बताए थे ना, एक तो हमारे पास पहला था कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम फ्रंट पे ऐड कर रहे थे, अब दूसरा वाला था जिसमें हम गिवन नोड पे कर रहे थे, लास्ट वाला के नोड के एंड में हम करेंगे, सबसे एंड नोड के ऊपर करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, वी आर गिवन पॉइंटर टू अ नोड, ऐड द न्यू नोड इन इंसर्टेड आफ्टर द गिवन नोड। हमें क्या कह रहा है कि वी आर गिवन पॉइंटर टू अ नोड, हमें एक पॉइंटर दिया गया है किसी नोड का, एंड न्यू नोड इज इंसर्टेड आफ्टर द गिवन नोड, जो गिवन नोड है उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक न्यू नोड को ऐड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें, ये एक हमारे पास ऑलरेडी ये जो ए बी सी डी हमारे पास जो है वो मौजूद है, और इसके अंदर हमने एक जो हमें क्या कहा गया कि भाई बी से पहले हमें क्या करना है, एक नोड ऐड करनी है। ठीक है, बी से पहले और सॉरी बी के बाद और सी से पहले एक नोड ऐड करनी है। ये इसकी डाटा एलिमेंट डाटा है और ब्लॉक है, और ये इसका नेक्स्ट ब्लॉक है। ओके, अब ये है इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन, पहले वाला था पुश का फंक्शन, ये है इंसर्ट आफ्टर। अब क्या, दिस फंक्शन इज इन लिंक लिस्ट क्लास, इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर द गिवन प्रीवियस नोड, जो प्रीवियस नोड है उससे पहले उसके सॉरी उसके बाद जो है वो ये ऐड करेगा। दिस मेथड इज डिफाइंड इनसाइड लिंक लिस्ट क्लास शोन अबव। ठीक है, ये मेथड कहां पे है, लिंक लिस्ट क्लास में, लिंक लिस्ट क्लास में डिफाइन होगा ये। ठीक है, ऊपर वाला किसमें हुआ था डिफाइन, ये भी लिंक लिस्ट क्लास में हुआ था। आपको याद होगा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंट लिस्ट का फंक्शन जो मेथड जो लिखा था वो भी कहां लिखा था, लिंक लिस्ट क्लास में लिखा था, नोड क्लास में नहीं लिखा था। नोड क्लास का काम क्या है, खाली वो एक नोड फैक्ट्री है और वो हमें नोड बना के देती है। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, नोड फैक्ट्री हमारी जो नोड क्लास है उसको एज इट इज आप नोड फैक्ट्री कह सकते हैं, जो हमें नोड्स बना के देती है। ठीक है, और नोड्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है डाटा ब्लॉक और एक होता है हमारे पास रेफरेंस ब्लॉक। अच्छा, अब हम आते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट आफ्टर। अब हमें किसी नोड के बाद हमें किसी डाटा को ऐड करना है। ठीक है, अच्छा तो हमने क्या किया, हमने नोड क्लास टाइप का हमने प्रीवियस नोड एड्रेस लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जो पैरामीटर पास हुआ है उसमें हमें नोड क्लास टाइप का प्रीवियस नोड टाइप का हमें जो है वो रेफरेंस पास वेरिएबल पास हुआ है। दूसरा है हमारे पास इंट न्यू डाटा, जो भी न्यू डाटा आया है। अब हमने क्या किया, इफ ये प्रीवियस नोड, इफ प्रीवियस नोड इज इक्वल टू नल, ये इक्वल का ऑपरेटर है। ठीक है, इज इक्वल टू का ऑपरेटर है, साइन का ऑपरेटर नहीं है। इफ प्रीवियस नोड पे जो हमें रिसीव हुआ है अगर वो नल के बराबर है तो हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द गिवन प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नल। ठीक है, अगर हमें यूजर ने कोई वैल्यू पास करी है, ठीक है, नोड की कोई वैल्यू नोड अगर हमें कोई पास करी है और उसके वो उसकी जो वैल्यू है नल है तो क्या होगा कि हम कह देंगे कि भाई हमें जो है वो नल नहीं हो सकती किसी भी नोड की वैल्यू, क्योंकि अगर नल होगी तो फिर हम उसको आगे चेंज नहीं कर सकते ना, उसके बाद हम ऐड नहीं कर सकते, हमें तो प्रीवियस नोड से पहले एड्रेस करना। नल का मतलब यह है कि वो लिस्ट हमारी एंड हो गई है, लिंक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, एलोकेट एंड द नोड एंड पुट इन द डेटा। अब हमारे पास क्या है, नोड क्लास टाइप का हमने एक न्यू नोड बनाई है, ये न्यू नोड सॉरी ये तो न्यू डेटा, नोड क्लास टाइप की हमने न्यू नोड बनाई और हमने उसमें क्या किया, न्यू नोड न्यू डाटा, ये जो पीछे हम करके आए वही हमने काम यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने नोड क्लास टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया न्यू नोड, और हमने न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया और कंस्ट्रक्टर को हमने डाटा पास किया, क्या, न्यू अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें रिसीव हुआ था डाटा वो हमने यहाँ से हमने इस नोड को पास कर दिया, इस कंस्ट्रक्टर को। फिर हमने क्या किया, इस न्यू नोड
डॉट नेक्स्ट को प्रीवियस डॉट डॉट प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट के एड्रेस उसको पास कर दिया, ठीक है। दैट सपोज ठीक है, अब मेरे ख्याल में समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं। अच्छा ये ठीक है। अच्छा ये देखें हमारे पास क्या था, ए बी सी डी। तो ये कह रहा है कि इफ प्रीवियस अंडरस्कोर नोड इज इक्वल टू नल, तो वो ये हो सकती है। अगर ये कंडीशन होगी तो ये इसके बाद किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, हमें तो बीच में ऐड करना है। तो अगर ये नल आ गया प्रीवियस नोड तो क्या होगा, अगर नल को पॉइंट कर रही है तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या यहीं पर ही कह देगा कि द गिवन प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नल। अच्छा दूसरा इसके बाद क्या होगा, अगर नल नहीं है तो क्या होगा, अरे यार फिर मैं नीचे ले गया इसको, एक मिनट। अच्छा अब क्या करेगा, एलोकेट द नोड। सबसे पहले हमने एक एलोकेट करी नोड, एलोकेट से मुराद किया एक नई नोड बनाई है हमने, एक न्यू नोड बनाई और उसको हमने न्यू नोड बनाई हमने। नोड फैक्ट्री की क्लास है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम है क्लास नोड, और वो नोड बना के हमें दे देती है। हमने उसको क्या किया, नोड न्यू नोड बनाई हमने, और उस न्यू नोड को हमने जो डाटा था हमारे पास वो यहाँ से हमने उसको पास किया, जो भी डाटा था व्हाटएवर, ठीक है, और वो डाटा हमने इस न्यू नोड को एलोकेट कर दिया, इस ई को, ठीक है। उसके बाद फिर ये न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसका ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, रेफरेंस एलिमेंट, इसको हमने प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, ये जिसको ये वाला जो एलिमेंट जिसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, प्रीवियस, ये वाला प्रीवियस नॉट डॉट नेक्स्ट, इसका ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट सी को पॉइंट कर रहा था ना, ये हमने वैल्यू किसको दे दी, एड्रेस किसको दे दिया हमने, न्यू नॉट डॉट नेक्स्ट को, यानी कि हमने इसको ये एड्रेस दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रीवियस, ये जो प्रीवियस वाली थी, प्रीवियस नॉट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। तो हमने प्रीवियस डॉट के जो नेक्स्ट का था इसको हमने न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, एक न्यू एलिमेंट जो है वो ऐड हो गया हमारे पास, न्यू नोड जो है वो बीच में ऐड हो गई। आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे पास एक और है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास इस इंसर्ट आफ्टर की बिग ओ वन है, ठीक है, इसका भी जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एट द नोड एट द एंड, ठीक है, ये सिक्स स्टेप्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि हमारे पास एलिमेंट है 5, 10, 15, 20, 25। अब इसको हमने क्या करना है, एंड में एक एलिमेंट ऐड करना है, और वो एलिमेंट कौन सा, 30। तो हम 30 ऐड करना चाह रहे हैं, देखें ये हम एंड में हम ऐड करना चाह रहे हैं एक एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसके अंदर सिक्स स्टेप्स लगेंगे, अच्छा भाई देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पब्लिक void append के नाम से हमने एक मेथड बनाया है, और इस मेथड में हमने क्या करें, append a new node at the end, this method is defined inside linked list class shown above, ठीक है। तो linked list की जो क्लास है उसके अंदर हम इसको लिखेंगे, नोड वाली क्लास में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पब्लिक void append का हमने एक मेथड बनाया, int new node का डाटा हमने इसको पास किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एलोकेट किया एक नोड को, तो नोड फैक्ट्री से हमने एक न्यू नोड बनवाई, और हमने न्यू नोड को, न्यू नोड का न्यू डाटा जो है वो हमने पास कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पुट इन द डाटा सेट नेक्स्ट एज नल। सबसे पहले क्या करना है हमने, इफ हेड इज इक्वल टू नल, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन मेक द न्यू नोड एज हेड। अगर कोई लिंक लिस्ट में आप कोई एक वैल्यू एड करना चाह रहे हैं सबसे आखिर में, ठीक है, तो उससे बेहतर यह है कि क्या नाम है इसका, वो उसको न्यू नोड जो होगी वही हेड हो जाएगी। तो ये बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन मेक द न्यू नोड एज हेड। तो अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम न्यू नोड को हेड कर देंगे। तो अब इफ
हेड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू का ऑपरेटर हमारे पास नल, तो क्या करो हेड को इज इक्वल टू न्यू नोड न्यू डाटा, ठीक है, न्यू नोड न्यू डाटा जो है वो इसको क्या करो हेड को पॉइंट कर दो, ठीक है, जो न्यू डाटा आपने असाइन किया उसको क्या करो हेड को पॉइंट कर दो और रिटर्न कर दो वैल्यू को. अगर दिस न्यू नोड, अगर ये नल नहीं है तो जाहिर सी बात है ये इसमें नहीं जाएगा, ये बाहर आ जाएगा. दिस न्यू नोड इज गोइंग टू बी द लास्ट नोड सो मेक नेक्स्ट ऑफ इट्स एज नल. तो अब हमने क्या करना है न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. एल्स अगर वो कहानी नहीं है तो इसको भी हम नल कर देंगे अगर ये कहानी चलेगी तो. एल्स ट्रावर्स टिल द लास्ट नोड, नोड लास्ट इज इक्वल टू हेड. ये कह रहा है कि एक हमने एक नोड बनाई है लास्ट, ठीक है, सॉरी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है नोड क्लास का लास्ट के नाम से और उसको हेड की वैल्यू हमने जो है ना हेड का जो एड्रेस है वो हमने असाइन कर दिया लास्ट को. फिर हमने क्या किया वाइल, वाइल का लूप लगाया और इस लास्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू पड़ी हुई है वो कह रहा है कि जब तक ये नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या करो लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, लास्ट के अंदर लास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ऐड करते रहो, ठीक है. फिर उसके बाद सिक्स क्या है चेंज द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड, आखिर में आके क्या करो लास्ट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड की जो वैल्यू है वो असाइन कर दो और रिटर्न कर दो. तो हमारे पास क्या होगा दो बातें इसने की है कि अगर सबसे पहले क्या करेगा वो अगर हमें कोई वैल्यू आखिर में असाइन करनी है तो जो लास्ट वाली वैल्यू जो नोड है वो आपकी कहाँ साइन हो रही कहाँ पे पॉइंट कर रही है नल के ऊपर, तो वो जो आप नल पे पॉइंट कर रही है उसको हम कहाँ पॉइंट करवा देंगे लास्ट नोड के जो नोड हमने न्यू नोड ऐड करवाई है और उसका नेक्स्ट जो है वो हम नल पे पॉइंट करवा देंगे, ठीक हो गया. और अगर पूरी लिस्ट ही एम्प्टी है तो हम इसी को नल पे इसी को जो है ना वो हेड नोड पॉइंट करवा देंगे ये हेड इसके ऊपर और लास्ट को नल करवा देंगे. ठीक है अब ये कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अपेंड इज बिग ओ एन, देयर इज अ नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट सिंस देयर इज अ लूप फ्रॉम हेड टू एंड द फंक्शन डज बिग ओ एन वर्क. ठीक है जो एक लूप है आपके पास लूप लगने की वजह से क्योंकि आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं थे लूप आपका कहां तक चलेगा इसका कोई पता नहीं होता इसलिए वो क्या होता है आपका बिग ओ एन पे काउंट होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. दिस मेथड कैन आल्सो बी ऑप्टिमाइज टू वर्क इन बिग ओ वन बाय कीपिंग एन एक्स्ट्रा पॉइंटर टू टेल ऑफ लिंक्ड लिस्ट. ठीक है ये जो इसने एग्जांपल दिए ना एक बड़ी प्यारी दी है इसने, इसने कहा है कि हम इस एल्गोरिथम की या ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम अभी रन हुआ है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वाइल लूप नहीं खैर आप लूप लगा ले बस लूप की वजह से बिग ओ एन है. देखिए ऊपर वाले जितने भी थे वो बिग ओ वन थे कॉन्स्टेंट थे लेकिन ये वाला जो है ना ये बिग ओ एन है यानी कि लीनियर ग्राफ बनेगा. ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम इस ये जो लिस्ट है हमारे पास एक पॉइंटर तो हेड है एक और पॉइंटर अगर हम ऐड कर लें इसके लास्ट के ऊपर एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा किसी तरह से हम एक पॉइंटर यहाँ पे भी ऐड कर लें जिसको हर लिस्ट के लास्ट का एड्रेस पता हो तो इससे क्या होगा कि हम इस ये वाला जो प्रोग्राम है ये जो हम इस लिस्ट के लिए लिख रहे हैं इसको इसकी टाइम इसकी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन से लेस करके बिग ओ वन पे ला सकते हैं. ठीक है अब ये हमारे पास बता रहा है फॉलोइंग इज अ कंप्लीट प्रोग्राम दैट यूज ऑल ऑफ द अबव मेथड टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट. ठीक है तो ये पूरा इसने इसमें बताया कि हमने कैसे क्लास हमने बनाई लिंक लिस्ट नोड हेड वो जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं पहले पुश का मेथड बनाया फिर इंसर्ट आफ्टर का फिर उसके बाद अपेंड का प्रिंट लिस्ट में से क्या किया नोड टू नोड इक्वल टू हेड सब ऐसे ही किया. ये नया है हमारे पास इसके अंदर क्या है लिंक लिस्ट 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 डॉट अपेंड लिस्ट डॉट पुश ये देखें ये मेथड का नाम है लिस्ट डॉट अपेंड सिक्स इंसर्ट सिक्स सो लिंक लिस्ट बिकम सिक्स नल लिस्ट. ठीक है ये जो सिक्स हम ऐड जो हमने पास किया है अपेंड को तो अपेंड का फंक्शन क्या करेगा हमारी लिंक लिस्ट के आखिर में
सिक्स ऐड कर देगा। और इसके बाद हमने अगला लगाया पुश, तो पुश क्या करेगा, इंसर्ट सेवन एट द बिगिनिंग, सो लिंक्ड लिस्ट बिकम सेवन सिक्स नल। फिर हम करेंगे इंसर्ट वन एट द बिगिनिंग, सो लिंक्ड लिस्ट बिकम, ठीक है, इंसर्ट फोर एट द एंड। तो हमने ये पूरी लिंक लिस्ट बना लिए, ठीक है, बनाते जा रहे हैं। अब ये कह रहा है इंसर्ट एट आफ्टर सेवन, सो लिंक लिस्ट बिकम वन सेवन एट सिक्स फोर। तो वन लिस्ट डॉट इंसर्ट आफ्टर लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट एट, ठीक है। ये कह रहा है कि लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, लिस्ट जिसको नेक्स्ट को पॉइंट कर रही है उसके बाद जो है ना एक वैल्यू ऐड कर दो एट को। तो हमने यहाँ पे एड्रेस किसका दिया, सेवन का, ठीक है। तो ये कौन सी वाली नोड है हमारी, प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड क्या है, सेवन। तो इसका मतलब है सेवन के बाद एक वैल्यू हमें ऐड कर दो। फिर इसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंड क्रिएटेड लिंक लिस्ट इज लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अब आप देखें कि हमें कोई बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ रहा पहली बार, ठीक है, और हमने मेथड लिख के रख लिए। तो अब यहाँ से आप देखते जाएं कि हम यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं और हमारी लिस्ट बनती जा रही है, ठीक है, और हम जहाँ चाहें वो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट का था, अच्छा हम इसको कोड करके देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया की तरफ, को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम एक नया अपना पैकेज बनाते हैं, इस पैकेज का नाम हम इंटेलिजेंट आइडिया, नजर आ रहा है आप सबको, सही है, ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम DSA insert रख देते हैं इसका नाम। लिंक लिस्ट इंटरेस्ट कर देता हूँ, लिंक लिस्ट अंडरस्कोर इंसर्ट, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमने क्लास बनाई लिंक लिस्ट अंडरस्कोर इंसर्ट, सो सबसे पहले हमने नोड हेड बनाई, उसके बाद हमने क्लास बनाई हमने नोड की, उसके अंदर हमने बनाया इंट डेटा नोड नेक्स्ट, उसके अंदर हमने एक मेथड लिखा ठीक है, ये मेथड था, और ये इसके अंदर हमने क्या लिखा डेटा इज इक्वल टू डी, उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है। ये हमारे पास आ गई क्लास नोड, ठीक है, क्लास यहाँ तक ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो पुश का मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो पुश का मेथड हमें हर दफा बताया गया था हम कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, और इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने यह बनाया पब्लिक void, यहाँ पर हमने डाटा, सही है, हमने int new डाटा बनाया। और हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले एक न्यू नोड बनानी है, न्यू नोड को हेड पे पॉइंट करना है और हेड को न्यू नोड का एड्रेस देना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, int new node बनाएंगे, तो इसको हमने क्या करना है, न्यू underscore data, ठीक है। और इस ये पुश का जो हमने बनाया था ये हमने स्टार्टिंग के लिए बनाया था, तो
लास्ट इक्वल टू हेड। अच्छा ये जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें जो हमारे पास न्यू नोड है वो उसको हम हेड की वैल्यू दे देंगे और हेड को हम क्या करेंगे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट सॉरी न्यू नोड की वैल्यू। ठीक है क्लास यहां तक क्लियर है? हमने क्या किया, हमने एक नोड फैक्ट्री बनाई सबसे पहले, मैं लिख देता हूं दिस इज नोड फैक्ट्री। ठीक है और उसमें मैंने ये नहीं हमारी नोड फैक्ट्री है और हमने सबसे पहले पुश का मेथड बनाया और पुश के मेथड में हमने क्या किया ठीक है उसके मेथड के अंदर हम एक न्यू डाटा देते हैं और उसके बाद वो बन के आ जाता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा वाला था, हमारे पास इंसर्ट आफ्टर का था, यानी कि हमें अगर किसी चीज किसी वैल्यू के बाद इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें उसके चार स्टेप लिखने थे। ठीक है तो इंसर्ट आफ्टर में पब्लिक सबसे पहले तो मेरे ख्याल में उसमें प्रीवियस नोड आएगी, नोड का प्रीवियस नोड ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस नोड को चेक करेंगे इफ previous node is equal to null तो हम क्या करेंगे इसमें प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे the given node not to be null। ठीक है और हम इसको करवाएंगे return। अच्छा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है फिर तो चलो ये रन हो जाएगा, अगर ये नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक न्यू नोड बनाएंगे, न्यू नोड को प्रीवियस नोड का एड्रेस देंगे, प्रीवियस नोड को न्यू नोड का एड्रेस देंगे। बहुत आसान है, हम क्या करेंगे हम एक नोड बनाएंगे क्या है न्यू नोड को क्या करेंगे न्यू डेटा प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू नोड का डाटा दे रहे हैं और प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट तो जो प्रीवियस नोड है हमारी उसका जो नेक्स्ट पॉइंट करेगा वो न्यू नोड को करेगा और जो न्यू नोड का है वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, देखें प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट तो न्यू नोड को पॉइंट करेगा और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, अच्छा जिसपे प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट कर रहा है जब मैंने एक चीज बताई थी कि ऑर्डर का हमें ख्याल रखना है तो ऑर्डर पहले ऊपर आएगा। ठीक है यहाँ पे क्या किया हमने एक न्यू नोड बनाई न्यू नोड फैक्ट्री से और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट पॉइंट करेगा प्रीवियस नोड जहां पे पॉइंट कर रही थी, फिर प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगी न्यू नोड को। ठीक है अच्छा इसके बाद अगला मेथड था हमारा अपेंड का पब्लिक void append। append के मेथड के अंदर हमने कितनी एक वैल्यू पास कर रहे थे ठीक है और append की वैल्यू मेथड के अंदर हमारे पास कितनी थी new underscore data। ठीक है यहाँ पे हमने node factory से कहा कि भाई हमें एक बना के दे दो
डाटा हमने उसको दे दिया। तो इसमें हमारे पास 6 स्टेप थे, ठीक है। तो पहले तो हमने ये किया कि हमने नोड फैक्ट्री से एक न्यू नोड बना दी, ठीक है। सबसे पहले हमने ये किया कि न्यू नोड से और नोड से हमने नई फैक्ट्री बनवा ली, और हमने अब चेक कर रहे हैं कि जो इसका हेड है वो नल तो नहीं है। अगर हेड नल होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसी को वो कर देंगे, इसी को हम पॉइंट कर देंगे हेड के ऊपर। जो हेड को हेड जो है वो पॉइंट करेगा अब न्यू नोड के ऊपर, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज और भी थी इसके अंदर कि हम इसके बाद क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को नल कर देंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि हमारी जो हेड नोड है कहीं वो नल को पॉइंट तो नहीं कर रही। अगर हेड नोड नल को पॉइंट कर रही है और हेड नोड नल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डाटा है ही नहीं, कोई लिस्ट है ही नहीं ऐसी। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने न्यू नोड बनाई है, हमने न्यू नोड को ही अपनी लिस्ट का पार्ट बना लिया, ठीक है। और हेड नोड इसी को पॉइंट कर रहा है, हेड के अंदर हमने क्या रख लिया, न्यू नोड का न्यू डाटा और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रही है, नल को, ठीक है। अगर ये नहीं है कहानी तो फिर हम क्या करेंगे, वाली कहानी नहीं है तो फिर हमें सबसे नल के अंदर एक वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नोड लास्ट हेड बनाएंगे, एक नोड लास्ट व्हाइल का मेथड यहां पे लगा, लास्ट को हम पॉइंट करेंगे हेड के ऊपर, जिसमें मैंने ये कहा था कि हम इसको ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे आखिर तक। अब ये कह रहे हैं कि जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो आपकी नल नहीं हो जाती। अच्छा, क्लास यहाँ पे मीटिंग एंड हो